जय हिंदी स्टूडेंट, देखिए अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर हैं और जिनको कल के डेट में एग्ज़ाम देना है या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देना है वो इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ करके जानी चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें फंसें, और बिल्कुल घबराना नहीं है। तो थोड़ी सी ये वीडियो को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कमेंट कीजिएगा। पहले देखिए, पहले तो आपको बता दूँ कि टेलीग्राम से हमारे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो लिंक है ना लिखा हुआ है 10 उधीर पांडे, ये स्पेलिंग देख लीजिए, इसको टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ जाइए। और उसके बाद मैं ना इसलिए टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी वीडियोज ऐसी हैं जिसको आपको देख करके कल जाने चाहिए। तो उसमें से क्या है ना कि आप अगर यूट्यूब पे खोजेंगे हमारे चैनल पे तो खोजते हुए टाइम लगेगा, कुछ आप खोज पाएंगे कुछ नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि कुछ पुरानी वीडियोज भी हैं। जैसे देखिए, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है, ठीक ना, हर शिफ्ट में पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ रहा है। तो सिर्फ ये वाली वीडियो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है ना, ये वाली वीडियो अगर आप देख लेंगे, पहले देख लीजिए फिर टेलीग्राम पर जाइएगा, ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना तो इसमें क्या है कि ये आपको लगभग 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट में आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। इसमें मैंने 4-5 गोल्डन रूल बताया है और जिन रूल के तहत ही आपका पैसिव वॉइस सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको दूसरी वीडियो जो देख करके जानी चाहिए वो है भारतीय महिला, ठीक है। भारतीय महिला से क्वेश्चन पूछा गया था आज की डेट में, कल भी पूछा जाएगा, परसों भी पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा। आज मुख्यमंत्री वाला नहीं पूछा था लेकिन पूछेगा, इसलिए मैंने भी इसका लिस्ट भी मैंने इसको भेज दिया, ठीक है। यहाँ से आपको देखना शुरू करना है, ये पैसिव वॉइस का जो मैंने वीडियो भेजा उसके बाद से, ठीक है। फिर तीसरी वीडियो देखेंगे आप, देश और उसकी मुद्रा और राजधानी वाला पूछा था, पार्क वाला आज नहीं पूछा था लेकिन कल पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। और उसके बाद फुल फॉर्म वाली वीडियो आज शायद सुबह वाली शिफ्ट में पूछा था, बाकी दो में शायद नहीं पूछा, तो कल पूछेगा। दिवस से आज क्वेश्चन नहीं पूछा था, कल जरूर पूछेगा। नदियों के किनारे बसे वाला शहर नहीं पूछा था, कल पूछेगा, पढ़ के जाइएगा। लोक नृत्य वाला भी क्वेश्चन आज नहीं पूछा था लेकिन कल जरूर पूछेगा। भारत के प्रमुख मंदिर से क्वेश्चन आज पूछा था, तो इसके लिए मैंने अपने वीडियो करा दिया अभी थोड़ी देर पहले, आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। आज के सुबह वाले शिफ्ट में शायद पूछा था लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है ना, लिंगराज मंदिर, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हमने करा दिया है, इसका लिंक भी हमने टेलीग्राम पर भेज दिया है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, है ना। बस इतना ही देखना है। और उसके बाद दो इंग्लिश के लिए दो वीडियो देखना है, इंग्लिश के लिए एक पहला वीडियो ये देखना है, सॉरी इंग्लिश के लिए एक वीडियो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर एयरफोर्स, ये प्लेलिस्ट ही हमने सेंड कर दिया है, इसमें ज़्यादा वीडियो हैं लेकिन अगर आपको टाइम मिलेगा तब देखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग वाली जो है कि आपके लिए वक्त लगेगा, तो उतना वक्त है नहीं, तो इसको लास्ट में देखिएगा अगर समय मिलेगा तब। लेकिन जो जीके का मैंने बताया वो देख लीजिएगा, और रीजनिंग वाले में ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, रीजनिंग बाय सुधीर पांडे, इसमें हमने ना दिशा और दूरी को इतना आसानी से समझाया है सिर्फ दो वीडियो में, 10 से 20 मिनट लगेंगे और दिशा और दूरी आपको कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग में आ रहे हैं, तो आप इसको फिक्स कर पाएंगे। यानी कि टोटल अगर आप अब से, अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं, अब से ज़्यादा नहीं सिर्फ एक घंटा का भी समय दे देते हैं या 45 मिनट का भी, तो आप कम से कम अपना 5 से 6 नंबर फिक्स कर सकते हैं। डी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 5 से 6 नंबर आप तैयार कर सकते हैं जिसमें कि 3 से 4 नंबर जीके वाले होंगे और रीजनिंग वाले यहाँ से 1-2 नंबर, ठीक है। बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका जो भी आपने तैयार किया है सब कुछ सही है। ये नहीं सोचना है कि सर मेरे लिए कम समय था, एक महीने का समय था, मैं तैयार नहीं कर पाया, अपना लो कॉन्फिडेंस नहीं करना है। जितना समय आपके पास था उतना समय सबके पास था, और सभी स्टूडेंट्स जो हैं कि डरे हुए फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसमें आप क्या है ना कि आपकी जो असली ताकत है डी स्टूडेंट, वो आपका जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप नहीं घटने दीजिएगा और एग्जाम हॉल में जाइएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरी लाइफ का आखिरी एग्जाम है, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिएगा, वर्तमान में फोकस कीजिएगा, वर्तमान में जिएगा, और जो भी चीजें आपको समझ में आएगी वो कीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। इस चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।